वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मायो चीज़ चिकन ब्रेड की रेसिपी। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। सबसे पहले अब हम मैदा इसमें डालेंगे। ध्यान दीजिएगा आप नमक के ऊपर ईस्ट ना डालें। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, शक्कर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर है तो आप लोग मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ ईस्ट में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पिसी हुई चीनी ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक अंडा डाल देंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। अगर आपको अंडा शामिल नहीं करना है तो आप अंडा शामिल नहीं भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से गूंथेंगे। इसमें आप तेल शामिल कीजिएगा और इस आटे को ज़रा भी ड्राई मत होने दीजिएगा। इस डब्बे को हम अच्छे से तेल लगा देंगे ताकि आटा चिपके ना। ध्यान रखिएगा कि आप तेल को अच्छे से चारों ओर से ग्रीस कर रहे हो। अब इस आटे को हम ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे ताकि आटा ड्राई ना हो। अब इसे आप ढककर रखिएगा या कोई एयर टाइट कंटेनर में आप इसे बंद माइक्रोवेव में या ओवन में रख सकते हैं। 3 से 4 चिकन के पीसेस लेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट और नींबू का जूस इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इस बाउल में शामिल करेंगे ज़ीरा, गरम मसाले का पाउडर, नमक, रेड चिल्ली पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा मसाला अब हमने लगा लिया है। अब इसे हम ऐसे ही 1 घंटे के लिए रहने देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बटर ग्रीस कर देंगे पैन पे, या आपके पास बटर नहीं है तो आप तेल यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तेल एकदम कम यूज़ करना। अब हम लोग इसमें चिकन रखते जाएंगे। अब हम 20 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और ये पीसेस पकने के बाद आप उसे श्रेड कर देना। अब हमने बटर लिया है, बटर में थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और ये प्रोसेस थोड़ा आप जल्दी जल्दी करना। इसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे और उसे घोल देंगे अच्छे से। अब हम इसमें मेयोनेज शामिल कर देंगे। हमने यहाँ ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ये श्रेडेड चिकन डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं आपके टेस्ट के मुताबिक। आप इसमें कॉर्न को भी शामिल कर सकते हैं, कॉर्न टेस्ट को बढ़ाता है। देखिए अब डो हमारा फूल कर डबल हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम डो से इसकी हवा निकाल देंगे, इसे पंचर कर देंगे। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से हमारा डो राइज हुआ था। अच्छा रिजल्ट आने के लिए आप माइक्रोवेव या ओवन में एयरटाइट कंटेनर में इसे बंद करके रखिएगा। अब हम इसे अच्छे से गूंथेंगे ताकि इसके अंदर की एक्स्ट्रा हवा निकल जाए। प्लेटफॉर्म पे नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क दे और डो डाल दे। इसका लंबा रोल बना ले। इसे 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर ले। अब इसे हम बेल लेंगे। बेलने से पहले आप याद रखिएगा कि आप नीचे मैदा अच्छे से छिड़क दें। अब इसे हमें सर्कल शेप में नहीं लाना है, तो याद रखिएगा आपको ओवल शेप में इसे बेलना है। इसे थोड़ा सा मोटा रखिएगा, रोटी के इतना पतला मत बेलिएगा। अब हम इसमें फिलिंग्स भरेंगे। इसमें आप चिकन की अच्छी खासी फिलिंग कीजिएगा। अब हम इसमें चीज़ शामिल कर देंगे। चीज़ अच्छे अमाउंट का आप डालिए, आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हैं चीज़। कटर से हम इसे नीचे की तरफ कट करते जाएंगे। बाद आप ऑपोजिट साइड आएंगे इसके, तो आप बराबर लाइन से कट कर दीजिएगा। अब हम रेड को उठाएंगे इस तरह और इस तरह रखते जाएंगे। आप इसे एकदम से क्लोज मत कर दीजिएगा, इसे थोड़ा ओपन छोड़ दीजिएगा, इसकी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। अब
देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा, बहुत अच्छी डिज़ाइन आएगी। हम इसे भी सेम तरीके से करेंगे बट इसे हम क्लोज करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह हम ब्रेड डिज़ाइंस की डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे आने वाली वीडियोस में। अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र करेंगे जो कि बटर से ग्रीज्ड है। अगर आपके पास बटर नहीं है आप ऑयल लगाइए। अब हम एक अंडा फेंट देंगे इस पे कोटिंग करने के लिए। हमने सिर्फ एग की वाइट पार्ट लगाई है। अगर आपको इसका कलर चाहिए अच्छा आने के लिए तो आप इस पे जर्दी लगा सकते हैं अंडे की। हम इस पे अंडे की अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें तिल लगाएंगे। माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था। ये कितना जल्दी बेक होता है आपके ओवन के ऊपर डिपेंड करता है। खैर अब हम इसे माइक्रोवेव में 10 या 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब ये हो चुका है, हम इसे निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ब्रेड फूल गया है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको कलर चाहिए तो आप अंडे की जर्दी के साथ अंडे को फेंटिए, लेकिन वो स्मेल आती है इसीलिए हमने वो अंडे की जर्दी को इसमें नहीं डाला है। बिना अंडे की जर्दी के भी आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आया है। आप इस पर बटर भी लगा सकते हैं। एकदम परफेक्ट हमारे चिकन ब्रेड मयो चीज़ रेडी है। और आपने देखा इनको बनाना भी कितना आसान था। अब मैं आपको इसका अंदर से भी टेक्सचर बताती हूँ कितना डिलीशियस है। बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।